देखो बोल रहा है मुझे दे कैमरा, मैं करूंगा ब्लॉगिंग स्टार्ट। मैं जा रही हूँ ना दीदी के यहाँ, अभी अंजलि जी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले तो आपको मैडम जी, शादी हो गई आपकी। तो पहले तो दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे प्यार भरा प्रणाम, स्वागत करती हूँ। मैं आरती रावत आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में और अपनी मध्महेश्वर घाटी में और अपनी मध्महेश्वर घाटी के सुंदर से गांव भटवाड़ी में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम परफेक्ट हूँ। तो चलो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, एक और नए दिन की शुरुआत करते हैं। तो आज के नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और डुगू देखो, डुगू बोल रहा है मुझे दे कैमरा, मैं करूँगा ब्लॉगिंग स्टार्ट, मैं करूँगा स्टार्ट। डुगू नहीं, डुगू को कैमरा चाहिए। तो अभी दोस्तों यहाँ पर मेरी मम्मी कर रही है, धान को कूट रही है, जिसे हमारी भाषा में सट्टी बोलते हैं वैसे तो। तो ये देखो यहाँ पर ये घर की धान है, घर के चावल है जिसको मम्मी कूट रही है और फिर यहाँ पर ये छानने के लिए है। ये सुप्पा है, सुप्पा तो हर किसी को पता होगा, तो इस पर छानेंगे। और ये रहा यहाँ पर मेरा डुगू और ये रहा मेरा भाई। भाई हेलो करो। तो ये है मेरी मम्मी जी, मम्मी हेलो करो। हेलो दोस्तों, सुबह सुबह आवाज़ नहीं आ रही है, काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप फोन सुने दो, यहाँ पे देखो इतने फ़ोन भी लगे पड़े हैं। तो बोलो मम्मा जी, बोलो क्या है। सुबह से काम पे लगी हो, थक चुकी हूँ। ये बच्चे मेरा कहना मानते ही नहीं, थोड़ा मेरी हेल्प भी नहीं करते हैं ना। सब कुछ झूठ है, सीरियसली मम्मी मैं जा रही हूँ ना दीदी के यहाँ, अभी कंफर्म नहीं हुआ मेरा, छुट्टी होगी तो जाऊँगी, मुझे पता ही नहीं मेरी छुट्टी है कि नहीं है। तो दोस्तों इतनी जल्दी प्लान बन गया कि कहीं पर मैं वीडियो शूट भी नहीं कर पाई, सीधा यहाँ मैं अंदर काम कर रही थी किचन में और यहाँ बाहर मेरे कैमरे को पकड़ के छोटे से बच्चे लगे हुए थे घुमाने पे। तो यहाँ अंदर पूजा चल रही थी, पाठ चल रहा था, पूजा चल रही थी और यहाँ पर छोटी छोटी कन्याएं बैठी हुई थी जिनकी मतलब कंजन पूजा होना था, तो इसलिए यहाँ पर ये छोटी सी प्यारी सी बच्चियाँ बैठी हुई थी। तो अभी कैमरामैन आएगा किचन की तरफ जहाँ पर मैं कर रही थी काम और नीचे मैं बैठ के बना रही थी पूरियाँ जो, और कैमरामैन सारी जगह कैमरा सबके पास ले जा रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पर से सारे सबको दिखाने पे लगा हुआ था कैमरामैन। हमारे मामा जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये सचित बड़ा बहनों है, ये बहनों ब्लॉगर है, कुछ बोलना चाहेंगे? ये दामी है, दामी जी आप कुछ समझिए। क्या हुआ? ये देखो हाय करो, हेलो देवी माता जी आई हैं, यहाँ पे रोटी बन रही है, बोलना चाहेंगे? अरे मोटे मत कर मेरी प्यारी मौसी गुड़िया का हो गया कन्या पूजन और इसलिए हमारी प्यारी मौसी बना रही है रोटियाँ। तो खाना अंदर में बना, ये हमारी मम्मी जी और ये है हमारी प्यारी मामी जी, और ये भी है मामी जी जो यहाँ पे अभी पूरी बना रही है। यहाँ पे जो अभी पूरी बना रही है वो हमारी मामी जी है। और मम्मी जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सब आ रहे हैं इधर। ओके, तो अब हम आपको ले जाते हैं अभी प्यारी मामी के पास जो छुप रही है। तो अब हम चलते हैं ऊपर छत पे अपने। तो ये रहे हमारे मामा जी, ये रहे मुझे नीचे जा, और ये रहे हमारे मौसा जी। मौसा जी कैसे हो? बढ़िया, कुछ बोलना चाहोगे? फोन पे लगे लगे लगा बस फोन पे तस्वीर लू, आराम से सो रहा है अभी जी मामा। हेलो हाय कैसे हो? हेलो हेलो क्या। तो अभी दोस्तों फाइनली कुछ टाइम के बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब दिन भर ब्लॉगिंग तो कर पाई नहीं और अभी ब्लॉगिंग कर रही हूँ। आप बोलोगे दीदी के यहाँ के काम कर रही, बट नहीं, क्योंकि दीदी की हेल्प करना ही था। मेरी दीदी तो बड़ी ससुराल आ रही है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी चल रही है शादी, क्योंकि शादियों का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है। गंगानगर की लोकेशन और ये सामने पर रहा गंगानगर का पुल। और हमारे गांव में भी शादी है, तो अब मैं भी निकलती हूँ जल्दी जल्दी घर के लिए, मतलब पापा आ रहे हैं तो पापा के साथ ही जाऊँगी, मतलब पापा अपने काम से आ रहे तो पापा के साथ ही जाती हूँ घर। तो अभी हम यहाँ पर छत में, अभी मैं आप बोल रही हूँ किसी को किसी से मिलवा भी नहीं रही,
अरे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, इंटरेस्टेड नहीं होते ब्लॉग में आने के, तो मैं निकालती नहीं हूँ। फ्लावर दिखाती हूँ, देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर हैं यहाँ पे। तो अभी दोस्तों यहाँ पूजा वगैरह हो रहा है, मतलब जो कन्याओं को पूजा जाता है वही पूजन हो रहा है और सारा काम हो रहा है। तो अभी हम छत में, यहाँ पर मैडम अंजलि जी हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, पहले तो आपको मैडम जी शादी हो गई है। और अभी हम बैठे हैं छत में और ब्लॉगिंग करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। आप यहाँ पर है हमारी सासू जी और यहाँ पर है हमारी दीदी जी और यहाँ पर भी हमारी दीदी।